हिंदुस्तान के सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को पीट लिया और 8 जनवरी 1966 तक तो भारतीय सैनिक लाहौर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर थे। माने और 2 घंटे 3 घंटे का समय मिला होता तो शायद लाहौर में तिरंगा झंडा होता, ये हो सकता था उस समय। लेकिन तब एक मुश्किल आई। मुश्किल क्या आई कि जब पाकिस्तान ने देखा कि पिटते जा रहे हैं और हर इलाका भारतीय सैनिकों के कब्जे में जा रहा है और पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री थे, जो उनके सेनाओं के बड़े अधिकारी थे, उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में लाहौर कब्जे में गया तो हफ्ते भर के अंदर कराची भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा, पेशावर भी जाएगा, सब चला जाए और 10-15 दिन में हो सकता है पूरा पाकिस्तान चला जाए। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे ग्रुप थे जो हिंदुस्तान की सेनाओं का समर्थन भी कर रहे थे, सिंध प्रांत के लोग थे जो पाकिस्तान का नहीं भारतीय सेनाओं का समर्थन कर रहे थे। और जो मुहाजिर लोग हैं, मुहाजिर माने जो हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमान पाकिस्तान में बसे हैं, वो भारतीय सेना का समर्थन कर रहे थे। तो ऐसा लगता था कि शायद ये सब इलाका भारतीय सैनिकों के कब्जे में आ जाएगा। और शास्त्री जी ने तो मैंने बताया कि खुली छूट दे रखी थी, उनको कभी इस बात की तकलीफ नहीं थी कि भारतीय सेना कहां तक जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान को कायदे से सबक सिखा देना ही ठीक है ताकि बार बार ये तकलीफ ना उठानी पड़े हमको। तो उनका भी पूरा पाठिंबा था, शास्त्री जी का, कैबिनेट का पूरा पाठिंबा था, सेनाओं का उत्साह बहुत बड़ा हुआ था उस समय और भारतीय सैनिकों की तैयारी भी जबरदस्त थी। वो सब होते हुए हमने वो किया। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो मैंने बताया 8 जनवरी 1966 तक जब भारतीय सैनिक लाहौर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे तब पाकिस्तान ने अमरीका को कहा कि अब किसी तरह से युद्ध को रुकवाइए, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया तो अमरीका को कहा कि किसी तरह से युद्ध रुकवाइए। अमरीका को ऐसा लगा कि शास्त्री जी से युद्ध रोकने की बात कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अमरीका एक दो बार ट्राई कर चुका था शास्त्री जी से बात करने की और शास्त्री जी ने उसका 2 टूक जवाब दिया था। अमरीका ने एक बार शास्त्री जी को परोक्ष रूप से धमकी दी थी और शास्त्री जी ने उस धमकी का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था। क्या धमकी दी थी कि उस समय लाल रंग का गेहूं आता था PL-480 का अमरीका से। PL-480 एक कानून का नाम है अमरीका में, PL का माने होता पब्लिक लॉ, 480, जैसे हमारे देश में संविधान की धाराएं 370, 371, 372 ऐसे ही अमरीका में कुछ कानून की धाराएं हैं, उनमें 480 नंबर की एक धारा है पब्लिक लॉ की। उस कानून के तहत अमरीका का गेहूं आता था हिंदुस्तान में, PL-480 का लाल रंग का गेहूं आता था और उस गेहूं को अमरीका में जानवर भी नहीं खाते थे, वो भारत में बेचा जाता। ये समझौता पंडित नेहरू ने किया था। हमारे देश में गेहूं की कमी थी ये बात सच थी, लेकिन रद्दी किस्म का गेहूं हम खाएं ये पंडित जी ने किया हुआ समझौता। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अमरीकी धमकी के सामने झुकने से मना कर दिया। तो अमरीका ने क्या कहा कि हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा बंद कर दो, हमें आपका गेहूं चाहिए भी नहीं। तो फिर अमरीका की धमकी आई कि आपके लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा हम भूखे मरेंगे लेकिन हमको अपमानजनक शर्तों पर यह संधि मंजूर नहीं है आपसे। और शास्त्री जी ने हिम्मत दिखाई, PL-480 का गेहूं खरीदना बंद कर दिया। फिर देश में गेहूं की थोड़ी कमी आ गई तो शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की कि हम एक समय भोजन करना बंद कर दें। और देश के करोड़ों लोगों ने शास्त्री जी की बात का जवाब दिया, करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। इस घटना से सिद्ध क्या होता है, इस देश का कोई भी नेता जनता से जब भी कोई कुर्बानी मांगता है तो जनता कभी पीछे नहीं हटती। सवाल नेताओं की इंटीग्रिटी का है। जनता इस देश में बहुत मजबूत है, जनता कभी सरेंडर नहीं करती। जनता ने भूखा रहना मंजूर किया लेकिन शास्त्री जी पर इस बात का किसी आदमी ने दबाव नहीं डाला कि आप अमरीका से गेहूं खरीदिए, हम भूखे नहीं रहेंगे। लोगों ने कहा हम भूखे रहेंगे, सम्मान के साथ हमको भूखा रहना मंजूर है, बजाय इसके कि हम अमरीका से गेहूं खरीदें और अपमानजनक शर्तों पर उसको हम खाएं। लेकिन दूसरी बार शास्त्री जी दबाव में आए और फिर भारत के ही अंदर के नेता अमरीका समर्थन के हो गए और भारत के नेताओं ने फिर शास्त्री जी को कहना शुरू किया कि पाकिस्तान से समझौता करना चाहिए और पाकिस्तान से समझौता करना पड़े। तो शास्त्री जी बहुत ही बुझे मन से, दबे हुए मन से गए ताशकंद समझौता करने के, और ऐसा समझौता हुआ कि वो वापस नहीं लौटे। समझौते में क्या हुआ कि जो जमीन भारतीय सैनिकों ने जीती थी वो सारी की सारी जमीन समझौते में हार गई और शास्त्री जी भी उस समझौते में चले गए। शास्त्री जी की डेड बॉडी लौटी थी ताशकंद से, शास्त्री जी नहीं लौटे। हमने इतनी बड़ी गलती की 1965 में कि एक तो देश का प्रधानमंत्री खोया और दूसरा देश की जमीन खोई जो जीती थी पाकिस्तान से, और एक ऐसा प्रधानमंत्री खोया जिसके बारे में मैं कह सकता हूं ना भूतो ना भविष्य थी।
न कभी हुआ न कभी होगा। जब युद्ध शुरू हो गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो शास्त्री जी ने सारे देश के लोगों से एक अपील की थी कि घर का पैसा बचाओ, खर्चे कम करो, क्योंकि युद्ध के समय में सेविंग्स की बहुत जरूरत होती है सरकार, और जिस देश में सेविंग्स जितनी ज्यादा होती हैं डोमेस्टिक स्तर पे, घरेलू स्तर पे, वो देश युद्ध उतने ही अच्छे तरीके से लड़ सकता है। तो शास्त्री जी ने लोगों से अपील की कि आप पैसा बचाओ, खर्चे कम करो, लेकिन दूसरों से अपील करने से पहले शास्त्री जी ने अपने खर्चे कटौती किए थे। और जानते हैं क्या खर्चा सबसे पहले कटौती किया? उनके घर में एक बाई आती थी उनका कपड़ा धोने की, तो शास्त्री जी ने बाई को कह दिया कि कल से तुम कपड़ा धोने मत आना मेरे। तो बाई ने पूछा कि कपड़ा कौन धोएगा, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, ललिता शास्त्री उस समय बहुत बीमार रहती थी। तो शास्त्री जी ने कहा मैं खुद धोऊंगा। कपड़े तो ज्यादा रखते ही नहीं थे, दो जोड़ी कपड़े रहते थे, एक जोड़ी सुखाते थे, एक जोड़ी धोते थे, दो धोती थी उनके पास, दो कुर्ते थे, एक जोड़ी चप्पल थी और एक खादी की बनियान रहती थी, एक अंडरवियर रहता था, ये कपड़े थे उनके। तो उन्होंने कहा मैं खुद धो लूंगा। फिर दूसरे अपने घर में कटौती कैसे की, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की बात देखी, उनके घर में एक बाई आती थी उनके कमरे में झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, उन्होंने कहा तुम भी कल से मत आना। तो उस बाई ने पूछा घर में झाड़ू कौन लगाएगा, उन्होंने कहा मैं मेरा कमरा साफ कर लूंगा, बाकी अपने बेटों को कहूंगा कि वो सब घर की सफाई करें, क्योंकि मैं पैसा नहीं दे सकता, दूसरों से मैं कह रहा हूं तो पहले मुझे करना होगा। तीसरी घर की कटौती कैसे की उन्होंने, उनके घर में एक ट्यूटर आता था जो उनके सबसे बड़े बेटे को अंग्रेजी पढ़ाता था, उनका बेटा अंग्रेजी में फेल हो गया, तो एक बड़ा ट्यूटर आता था घर में पढ़ाने के लिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि कल से तुम मत आना। तो उस ट्यूटर ने कहा कि आपका लड़का बहुत कमजोर है अंग्रेजी में, और वो पास नहीं होगा तो एक साल उसका बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा इस देश के लाखों करोड़ों बच्चे फेल हो जाते हैं, मेरा बेटा भी फेल हो जाएगा, कौन सी इसमें खास बात, मैं कोई विशेष आदमी तो नहीं, एक साधारण आदमी हूं मैं इस देश का। तो वो ट्यूटर भी हटा दिया। इस तरह से अपने खर्चों में कटौती की एक ऐसे व्यक्ति ने जो उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। आज तो कोई नहीं दिखाई देता है संकट, संकट की स्थिति तो आज भी है इस देश में, आर्थिक हालत तो बहुत खराब है इस देश में। बताइए कब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने अपने खर्चे में कटौती करने की कोई बात कही? आज के नेताओं ने तो अपने खर्चे तीन तीन गुने बढ़ा लिए। आपको मालूम है सभी नेताओं की पगारें तीन तीन गुनी बढ़ गई। अभी पिछले एक महीने से प्रधानमंत्री की पगार तीन गुनी बढ़ गई, राष्ट्रपति की पगार तीन गुनी बढ़ गई, मुख्यमंत्रियों की पगारें तीन गुनी बढ़ गई, राज्यपालों की पगारें तीन गुनी बढ़ गई। देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है, सरकार के पास पैसा नहीं है और परदेशों से आने वाली मदद भी रुकी हुई है क्योंकि आर्थिक पाबंदी है। वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता था कि ये सब नेता लाल बहादुर शास्त्री वाला उदाहरण पेश करेंगे कि पगारे नहीं लेंगे एक दो साल के लिए, देश की स्थिति जब तक सुधरेगी नहीं। लेकिन इन सब नेताओं ने तो अपनी पगारें तीन तीन गुनी बढ़ाई। इसलिए मैंने कहा था कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे, ना भूतो ना भविष्यति, शायद ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है इस देश में। और क्या हो गया था, युद्ध जब शुरू हो गया था तो एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी ने कहा कि आपकी धोती फट गई है, आप एक नई धोती ले आइए। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा ये होगा कि तुम उसको सुई धागे से सिल दो। अभी नई धोती लाने के बारे में मैं कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया, तो पैसा तो है नहीं, मैं नई धोती लाऊंगा कहां से। जितने कम से कम खर्चे में तुम घर का काम चला सको उतने की बात करो। तो उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से कि बोलो कितने कम से कम पैसे में घर का खर्च चल सकता। उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ 300 रुपए में चल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है 275 रुपया कल से मैं दूंगा, और कोशिश करो कि 25 रुपए की भी कटौती हो जाए किसी तरह से। ऐसा प्रधानमंत्री था इस देश का जिसको हमने खोया 1965 की शांति वार्ता। एक तो जमीन खोई इस देश की, दूसरा ऐसा शास्त्री जी पर बहुत दबाव होता था कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को भारत में आने दो। शास्त्री जी ने ना कह दिया कि कोई भारत में अमेरिका और यूरोप की कंपनी आएगी नहीं, क्योंकि हमने गलती से एक कंपनी को बुला लिया था, तब तो देश को 250 साल की गुलामी झेलनी पड़ी, अब दोबारा से विदेशियों को बुलाएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल की गुलामी आएगी। तो उन्होंने किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं दिया। स्वदेशी तकनीकी का विकास, स्वदेशी कंपनियों का विकास, स्वदेशी उद्योगों का विकास, स्वदेशी खेती का विकास, ये सब कुछ उन्होंने इस देश में अपने अभिक्रम से किया। दुर्भाग्य हमारे देश का, जो मैंने कहा, और एक साजिश हुई, एक षड्यंत्र हुआ कि सत्ता के 18वें महीने में ही उनको हटा दिया गया, रास्ते से, कुर्सी से ही नहीं उतार दिया, उनको इस दुनिया से विदा कर दिया। आपको मालूम है पाकिस्तान का हमला हुआ था इस देश पर, उस हमले का शास्त्री जी ने करारा जवाब दिया था।
और शास्त्री जी ने ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया ना, तो जवानों में इतना जोश था कि लाहौर तक का पूरा इलाका भारत की सेना के कब्जे में आ गया था, लाहौर तक। बाद में पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, पैरों में पड़कर रोने लगा, शास्त्री जी के सामने मिमियाने लगा पाकिस्तान। गलती पाकिस्तान ने की थी हमला करके, पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत की फौज इतना करारा जवाब देगी, क्योंकि पाकिस्तान इस गफलत का शिकार था कि 1948 में जब पाकिस्तान ने 47-48 में जम्मू कश्मीर पर हमला किया था और भारत की फौजें उस समय उतनी तैयार नहीं थी, हालांकि जवाब उस समय भी दिया था भारत की फौजों ने, पाकिस्तानी फौजों को भागना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान को 1965 में ये गफलत हो गई कि फौजें हिंदुस्तान की ज्यादा तैयार नहीं है, तो उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और लाहौर तक पाकिस्तान हार गया, भारत की सैनिकों का कब्जा हो गया। फिर शास्त्री जी गए सोवियत संघ की शरण, सॉरी पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गए, कब्जे में आए थे वो भी वापस कर दिए जाए। इसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे और 10 जनवरी 1966 को उनको दूध में जहर मिला के पिला दिया गया। हुआ क्या था, शास्त्री जी का एक नियम था, जैसे सबके नियम होते हैं ना बड़े लोगों के, वैसे उनका एक नियम था कि वो अपने रसोइये के हाथ का बना हुआ खाना ही खाया करते थे। उनका एक रसोइया था जो बराबर हर समय उनके साथ रहता था, हर विदेश यात्रा में उनके साथ जाता था, हर समय उनके साथ रहता था, तो वो रसोइये के हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाया करते थे। तो ताशकंद गए थे तो उनके साथ उनका रसोइया भी गया था, लेकिन ताशकंद में क्या हुआ, शास्त्री जी के रसोइये का अपहरण किया गया, उसको उठा लिया, शास्त्री जी को पता नहीं, उसकी जगह एक दूसरे आदमी को वहां बिठा दिया गया। और उसने, शास्त्री जी रात को खाना नहीं खाते थे सामान्य रूप से, दूध पी के सो जाते थे, तो रात को उनको दूध दिया, वो दूसरे रसोइये ने बनाकर दिया और उसमें जहर मिलाया, बहुत ही तीव्र जहर था, बहुत तीखा जहर था। वो दूध पीते ही शास्त्री जी को मिचली और उबकी आने का हुआ, फिर सांस घुटने लगी, बार बार उन्होंने अपने रसोइये को आवाज दी लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि रसोइये का अपहरण हो चुका था और उसको ले जाकर कहीं बंद कर रखा था। थोड़ी देर में शास्त्री जी के प्राण निकल गए। शास्त्री जी के साथ जो उनके सहयोगी गए थे वो उनके शव को लेकर वापस आए, तो भारत सरकार का क्या कर्तव्य था, देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा झूठ पूरे देश से बोला कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। इतना बड़ा झूठ देश की तरफ से पूरी मीडिया को बोला गया प्रधानमंत्री के बारे में। आप सोचो कितनी क्रूर है ये शासन व्यवस्था, इसका अंदाजा लगाओ। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या की जाती है और सरकार के मीडिया की तरफ से सारे देश में खबर दी जाती है कि हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई, तो शास्त्री जी के जो पर्सनल डॉक्टर थे, पर्सनल फिजिशियन, उनको शक हुआ कि शास्त्री जी के हृदय गति से मौत हो नहीं सकती, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल, उनके ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, तो हृदय गति रुकने का कारण क्या, स्ट्रेस कोई था नहीं, क्योंकि जीत किया था उन्होंने युद्ध में, हारे तो थे नहीं, तो डिप्रेशन के शिकार भी नहीं थे। डिप्रेशन होता है तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है तो फिर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का चांस हो जाता है। युद्ध में जीते थे, लाहौर तक का इलाका कब्जे में ले लिया था, भारतीय सेना की विजय हुई थी, तो डिप्रेशन का कोई कारण नहीं था। तो उनके डॉक्टर को शक हुआ और उनके डॉक्टर ने उनका शरीर देखने की इजाजत मांगी, तो पहले तो शास्त्री जी का शरीर देखने की इजाजत नहीं दी गई उनके डॉक्टर को, फिर ये बात उनकी धर्मपत्नी ने कही, श्रीमती ललिता शास्त्री ने, तब उनके शरीर को देखने की इजाजत मिली, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी कह रही है, तो धर्मपत्नी का बयान है आखिरी समय तक कि उनका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था। हृदय गति रुकने में शरीर नीला नहीं पड़ता, शरीर नीला पड़ता है जब उस शरीर को जहर दिया जाता है। और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार ने शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। आप जानते हैं
सामान्य से हत्या के केस में पोस्टमार्टम होता है, पुलिस केस बनता है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन भारत सरकार ने शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम होता तुरंत बात समझ में आती कि जहर दिया गया, और जहर दिया गया तो तत्काल सब इंक्वायरी होती, इंक्वायरी होती तो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते, और वो षड्यंत्रकारी कौन थे अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। तो वो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते, सारे देश के सामने उनका मुंह काला हो जाता, ये सबको दबाकर ढांप कर रख दिया गया, और उनकी मृत्यु शास्त्री जी की आज भी एक रहस्य और पहेली की तरह से है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक बताता हूं कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसने किसानों की चिंता की, जिसने जवानों की और सेना की चिंता की, जिसने हिंदुस्तान की स्वदेशी पूंजी कैसे बढ़नी चाहिए उसकी चिंता की, स्वदेशी तकनीकी कैसे विकसित होनी चाहिए उसकी चिंता की, स्वदेशी संसाधन कैसे बढ़ने चाहिए, माने पूरा खाटी स्वदेशी प्रधानमंत्री वो इस देश को मिला था।